किया गया, ब्लड शुगर की जो रिपोर्ट आई है वो 43। तो सारे डॉक्टरों की ये सलाह है कि स्थिति इनकी बिगड़ी हुई है और इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना बहुत जरूरी है, वरना बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है, बहुत बुरी हालत हो सकती है, इसलिए डॉक्टरों की सलाह पे इनको एडमिट कराया जा रहा है। मैम अभी कौन सा हॉस्पिटल जा रही है? LNJP हॉस्पिटल में एडमिट कराने जा रहे हैं और पिछले 4 दिनों से लगातार, आज 5वां दिन हो गया, अनशन पे हैं, अन्न का एक दाना नहीं लिया, शुगर लेवल लगातार नीचे जा रहा है, कीटोन बढ़ रहा है, BP गिर रहा है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टरों की सलाह पर इनको तुरंत LNJP हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है। 43 शुगर लेवल अपने आप में बहुत ही खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। मैम की स्थिति ऐसी है, आप किसे जिम्मेवार होंगे? निश्चित रूप से जो लड़ाई लड़ रही थी वो कोई अपने लिए तो नहीं लड़ रही थी, दिल्ली के लोगों के लिए, पानी के लिए लड़ रही थी, तो इसलिए इनकी अपनी लड़ाई नहीं थी, पानी के लिए लड़ रही, और आज पानी मिलना तो दूर, जो हालत हो गई आप देख ही रहे हैं। रात से ब्लड शुगर लेवल गिर रही थी, तो हमने सैंपल उनका दिया था तो 46 उनकी शुगर लेवल आई थी, और उसके बाद उनकी पोर्टेबल मशीन से ली तो उनकी 36 तक शुगर लेवल आई, जो कि अच्छी नहीं है, सीरियस रहती है, इसलिए उनको हमने जो है अभी LNJP हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और अब डॉक्टर साहब उनका इलाज कर रहे हैं, तो अब सेफ हैं। डॉक्टर साहब ने क्या सलाह दिया है अनशन को लेकर? अभी तो वो वाइटल्स वगैरह चेक कर रहे हैं और मुझे लग रहा है वो ड्रिप वगैरह लगाएंगे और उसके बाद जो है वो सलाह देंगे। तो सर क्या अनशन जारी रहेगा? अब ये बात तो बड़ी अजीब है कहनी, है ना? आप किसे जिम्मेवार मानते हैं अभी तक जो हुआ है? कोई बात नहीं, इसमें जिम्मेदारी क्या है, जो है वो सबको मालूम है।